अच्छी जगह है वैसे। भाभी आपको तो सलूट है, बहुत अच्छी जगह चूज़ किया आपने आने के लिए। अरे भाई खाक अच्छी जगह है ना, अच्छा खाने को है यहाँ पर ना, सही तरह बैठने को जगह है ना, हर लेटने को जगह है। भाभी क्या हो गया, बहुत सी जगह हैं अभी आपको नहीं पता। अरे हाँ भाई हम तो अंधे हैं ना, हमको तो चश्मे लगे हैं जैसे, हमें तो नज़र ही कुछ नहीं आता। अच्छा भाई अब तुम लोग चुप करके खाना खा लोगे या फिर नहीं? अरे हाँ भाई अम्मी खा रहे हैं, क्या हो गया? वासिफ मैं क्या सोच रही थी कि यहाँ करीब एक पार्क भी है तो हम लोग सुबह पार्क चलें। अरे भाई जब पार्क ही जाना था तो पार्क ही चले जाते, इतनी दूर आने की क्या ही ज़रूरत थी, घर के करीब कितने सारे पार्क हैं। भाभी मगर किसी स्पेशल तरीके के पार्क में है। स्पेशल कौन सा तरीका भाई, एक ही तरीका होता है पार्क का और वो हर जगह पे होता है। अरे भाई आगे इतना टाइम हो गया, तुम चुप करो अब, बाकी सब खाना जल्दी जल्दी खाए ना, फिर जाना भी तो है हमने। रात के 10 बज गए हैं, 11 बजने से पहले पहले पहुँचे वहाँ वापस। ओ गॉड बाहर तो बारिश शुरू हो गई है, मैंने तो सोचा था कि मैं बाहर सो जाऊँगी। नहीं नहीं बेटा बाहर क्यों सोना है, अंदर ही सोएंगे, इतनी जगह है। मम्मा आई थिंक कि गद्दे वगैरह कम नहीं पड़ जाएंगे, पास में दुकान है वहाँ से मैं और असरा जाकर ले आते हैं। चलो ठीक है देख लो तुम लोग फिर, ये तो तीन है, तीन लोग कैसे सोएंगे फिर, हम तो इतने सारे हैं। कराश तुम हुसन आरा को ना लाई होती ना तो हम सब पूरे आ जाते। अरे भाई क्या हो गया, वो बेचारी तो ज़मीन पर भी सो जाए, आप लोगों को उससे बड़ी मसला हो रहा है भाई। अरे खिड़कियाँ तो बंद करो। अच्छा चलो मेरे साथ गद्दा लेने हैं। अरे भाई आप खुद चले जाना, मैं थक गई हूँ, ज़रा चलो भी यार। अरे जाए ना उतनी देर, हम ये जो गद्दे पड़े हुए हैं इनको बिछा लेते हैं, आप जाएँ जल्दी से लेकर आएँ, बड़ी नींद आई हुई है। हाँ भाई भाभी सही कह रही हैं, आप जाकर ले आएँ, उतनी देर हम ये गद्दे बिछाते हैं। चलो भाई ये प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व, अब यहाँ पर मैं और आगे वाले टेंट में फबीहा भाभी सोचेंगी, अब आप लोग आराम से अंधे भी सो सकते हैं। हाँ और दो गद्दे मैं और भी ले आया हूँ एक्स्ट्रा, अगर किसी को सोना हो तो। अरे भाई चले भाई, अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, भीगने का इरादा है क्या? अब चलो भाई अंदर अपने अपने टेंटों में, और तुम लोग भी सो जाओ, ज़्यादा दिमाग मत खाओ। जी भाभी सो रहे हैं, आप अंदर जाकर सोचें, हमारा दिमाग मत खाएं। गॉड यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है और ऊपर हाथ से हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, इतनी ठंड हो रही है यार, हम तो कोई ठंड के हिसाब से कपड़े भी नहीं लाए। तो क्या हुआ, अंदर टेंट है ना वहाँ पे बहुत से कपड़े हैं, आए हम लोग वहीं से चेंज कर लेते हैं। हाँ यार चलो वरना इतनी ठंड में हम सोएंगे कैसे भाई। वैसे सच में भाभी हमें पता नहीं था कि यहाँ पे सच में इतनी ठंड हो जाती है रात को, देखा मैं तो तुम लोग को पहले ही कहा था। चलो तुम लोग कपड़े चेंज कर लो फिर। हाँ कपड़े चेंज कर लेते हैं, चाय पियोगे? डाल ही दें। सुबिहा भाभी आप पियेंगी? नहीं मैं नहीं पियूँगी। चलो भाई पी तो लिए, अब कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं और सोने चले जाते हैं। चले भाभी आए। मम्मा वो हुसन आरा आंटी हमारे साथ सोएंगी? हाँ बेटा अब कहाँ भेजें उनको, तो आप उनको उनके टेंट पे सुला देना हजरा भाभी के। अरे भाई वहाँ जगह कहाँ है, तुम लोग सो ना, मेरा मसला है, वो सुला लूँगी मैं उनको। चलो आ जाओ फरत आई। चलो भाई शुक्र है ये दोनों भी आराम से सो ही गई हैं, ये लोग भी अच्छे से सो ही गए हैं। एक काम करती हूँ अब वो वाला गद्दा उठा लेती हूँ क्योंकि उसकी क्या ज़रूरत, और इन लोगों के लाइट बंद कर देती हूँ। क्या टाइम हो गया, सुबह तो हो ही गई है। फबीहा भाभी उठ जाएं। फबीहा भाभी हाँ क्या हुआ भाभी, सुबह हो गई है। अच्छा ठीक है, यहाँ मुँह कहाँ धोएंगे भाभी, छोड़ें एक दिन मुँह नहीं धोएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई उठ गए तुम लोग? अम्मी आप क्या सोई नहीं थी? बस सोई थी अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तो तुम लोग की आवाज़ें सुनी तो बाहर आ गई। अच्छा मम्मा वो फबीहा भाभी पूछ रही थी कि मुँह कहाँ से धोना है। मुँह पता नहीं, अब ये वासी भी बता सकता है। चले खैर आप सबको उठाएं तो सही, नाश्ता वगैरह करें, फिर आज जहाँ घूमने जाना था घूमने के लिए जाएं, इसके बाद फिर घर जाना है ना। अच्छा हाँ चलो ठीक है उठाती हूँ सबको। अरे भाई चले अब सब उठ भी जाएं, सुबह हो गई है। अरे भाई कौन सा नौटंकी उठा रहा है सुबह सुबह, दिमाग ख़राब कर रहे हो। भाभी उठ जाइए, आपका अपना घर नहीं है जहाँ पे आप घंटों सोई रहे हैं। अरे भाई क्या कयामत आ गई, कयामत तो कोई नहीं आई, बस आप लोगों को उठा ही रही थी।
भाई उठ भी जाए, नाश्ता करने के लिए जाना है। भाई हाँ भाई उठ गया हूँ, चीखने की ज़रूरत नहीं है दादा। अज़रा उठो तुम भी, फल्ला उठा के छोड़ेंगे भैया आप लोग तो मुझे। चलें अब सब बाय, आए जा बेटा उठ जा तू भी, चलें अब सब। हाय पूरी रात उठी रही हूँ, दो पल भी सो नहीं पाई अच्छे से। बस कर दो अज़रा, तुम तो घोड़े बेच के सो रही थी, सो तो मैं नहीं पाया। अरे भाई पर आप लोग सो क्यों नहीं पाए ये तो बता दें। अरे भाई क्या मतलब ये बता दें, गद्दे पे कौन सो सकते है भाई, कहाँ भी था मरी चलते हैं वहाँ पे होटल में स्टे करते, आराम से बेड पे सोते। नहीं भाई नहीं, इनको तो यहीं आना था। भाभी अब बस भी कर दें, अब अगर आ ही गई हैं 10 बार आप ये बोल चुकी हैं। अरे हाँ भाई तो कुछ गलत थोड़ी वो बोले मैंने, अब तुम लोग चुप करोगे और नाश्ता करने चलें अब चलो। हाँ चलें नाश्ता करने चलते हैं, फिर आज हमने घूमने भी तो जाना है पार्क। अरे भाई कपड़े ना चेंज करूँ, सब्र करो हमें उस नारा को कपड़े चेंज करने दो। फरत तुम उस साइड पे आ जाओ मेरे साथ, यहाँ पे इन लोगों को बैठे दो। चलो ठीक है आ रही हूँ। अरे भाई वासिफ फरत की जान छोड़ दो और हमारे लिए कुछ ऑर्डर करो जल्दी से, तेरी भूख लगी हुई है जल्दी करो भाई। अच्छा अच्छा भाभी सब्र तो करें, इतनी अच्छी जगह है और फिर भी भाभी को गिले शिकवे हैं और पसंद ही नहीं आ रही जगह। अरे फरत ऐसी बात नहीं है, उनको पसंद आ रही हो बल्कि आ रही होगी, लेकिन मम्मी थोड़ी ना बताएंगी। खैर हमें उनसे क्या उनको पसंद आए या ना आए ये हमारा मसला नहीं है। हाँ बोला तो तुमने सही है, तुम्हें पता है यहाँ आके बहुत सारे झूले भी हैं। हाँ पता तो है, चलो फिर जल्दी जल्दी खाते हैं और फिर लेते हैं जाके। हाँ चलो ठीक है। अम्मी हम दोनों झूले लेने जा रहे हैं। अरे भाई क्या अकेले अकेले झूले लोगे, रुको रुको मैं भी खा के आ रही हूँ। चलो सनारा हम दोनों भी झूले लेते हैं चल के। आए फबीहा भाभी हम भी चलते हैं, तो सभी तैयार हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं ले चलते हैं सबको। ऐ बहन वैसे जगह तो अच्छी है। अरे हाँ भाई जगह तो अच्छी है, बस तारीफ नहीं करना चाहती, चल छोड़। आए आइए ना फरद, आओ ना ये झूला लें। आई आओ आयशा तुम भी आओ, फबीहा भाभी आप भी आ जाएं। चलो भाई झूला लेते हैं। वासिफ कितना मज़ा आ रहा है। हाँ सही बोल रही हो यार, बहुत मज़ा आ रहा है। भाभी अब तो आप खुश हैं ना, अब तो हमने रहने की जगह भी बदल दी है। क्या मतलब रहने की जगह बदल दी है, अब हमारे पास 2 अपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 2 जगह जहाँ पर हम रह सकते हैं। कौन सी जगह है ज़रा दिखाओ भी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आए ना वासिफ भाई अज़र भाभी को दिखाते हैं। अच्छा हाँ चलो आ जाओ फरहत, चलें। देखा भाभी कितनी प्यारी जगह है, कैंपिंग भी कर सकते हैं और साथ में मरी जैसा सीन भी बनाया हुआ है पूरा, और कितनी ठंड है यहाँ पे। अरे हाँ भाई जो भी है शुक्र है, अब अच्छी नींद तो आएगी। अच्छी नहीं बहुत अच्छी नींद आएगी। खैर आयशा कहाँ है, आयशा बाहर बैठी है झूले पे। अच्छा चलो फिर ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं बाहर और घूमते हैं कुछ चीज़ें। अरे भाई ये देखो सीख, फल्ला भाभी आपको तो हर जगह खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। अभी तो हमने और भी बहुत सारी जगह घूमनी है, चलो भाई जल्दी जल्दी चलें।